तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में माइनक्राफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजर सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड 3 में। क्या कर रहे है यार तू? तो मजाक है क्या? ओ सॉरी गाइस, पीछे वो रेडस्टोन टूट गया, सॉरी। तो पिछले एपिसोड में हमने इम्पोर्टेंस फार्म बनाए थे और आज वाली वीडियो में हम पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, यानी इनके घरों को तोड़ने वाले हैं, सॉरी गाइस। और आज ट्रेडिंग हॉल बनाने वाले हैं, जल्दी से सो लेते हैं फिर काम पर लग जाते हैं, और एक क्रीपर फार्म भी बनाने वाले हैं जल्दी से। चलो भाई, शीप्स को भी अंदर ले आते हैं गाइस, क्योंकि विलेजर्स ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए भीड़ जो चाहिए होंगे ना जरूरी से। चलो भाई, शुगर कैन फार्म भी सही से काम कर रहा है गाइस। विलेजरों के लिए एक खोपचा बना लेते हैं, यानी एक छोटा सा घर बना लेते हैं, उसमें ये रहेंगे, क्योंकि विलेजर में नहीं चाहता कि विलेजर मर जाएं ज़ॉम्बी के हाथों। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलो भाई, बकरी अपने बाल दे दो पेड्स बनाने के लिए। थैंक यू बकरी, थैंक यू। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग। हाँ ये कर लो पहले। चल भाई, बैठ गया। अरे नहीं, जल्दी तोड़ो, ये तोड़ो, जल्दी तोड़ो यार। ओ भाई बच गया। तो चलो इसके खोपचे में इसको डाल देते हैं सब विलेजरों को। और गाइस, इससे पहले मैंने प्रोजेक्ट लॉन्चर सर्वाइव 50 डेज सर्वाइव की वीडियो डाली है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लो ज़रूर। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो प्लीज़। और गाइस, वो प्रोजेक्ट लॉन्चर 50 डेज वाली वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं अभी डालूंगा, तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लो। तो भाई आज बहुत सारा काम करना है, जल्दी से लग जाते हैं काम पर बहुत सारा। अरे भाई अंदर जा यार विलेजर। गाइस, विलेज से जितने भी बेड्स मिले थे वो सब मैं माइन करके ले आया हूँ और यहाँ पर लगा दिया हूँ, और इनको अब पोटैटो देते हैं क्योंकि ये ब्रीड करेंगे और फिर हमारे बहुत विलेजर हो जाएंगे, तो फिर हम विलेजर ट्रेडिंग हॉल बना सकते हैं। तो गाइस, मैंने स्टार्ट कर दिया है विलेज को तोड़ना जल्दी से, बहुत सारे घर हैं, इन सब को तोड़ना है, डिस्ट्रॉय करना है, आज विलेजरों का काम ख़त्म करना है। नहीं गाइस प्लीज, नहीं मार साले का, खोपड़ी तोड़ साले। तो गाइस, सब विलेजर्स के घर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, अभी ट्रेडिंग हॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग हॉल नहीं होगा एक्चुअली, वो विलेजर के एक एक रहने के लिए जगह होगा, उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो गाइस, ये वाला टाइम लैप्स देखो, कुछ इस तरीके से बनेगा, विलेजर्स के एक एक रहने के लिए जगह, एक ब्लॉक होगा विलेजर्स के खड़े होने के लिए जगह, और एक होगा वो एक वर्क ब्लॉक रखने की जगह। तो गाइस, ये देखो कुछ इस तरीके से ये बना है, एक एक विलेजर्स के रहने के लिए जगह, अब पूरा इसको बनाते हैं जल्दी से। और गाइस ये देखें, ये इसकी तरफ, इसके आगे वाले ब्लॉक पे ऐसे ट्रैप डोर लगेंगे। कैसा गाइस टाइम लैप्स अच्छा लगा? ये तो गाइस ये पूरा बन गया है ट्रेडिंग हॉल, अब इसमें खाली विलेजर्स डालना है और वर्क स्टेशन डालना है जल्दी से।
ये देखो गाइस, मैंने ये पूरा ये रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई थी, इसका कोई हल बताओ मुझे यार जल्दी से। ये मैंने इतने एमरल्ड्स ले लिए हैं जल्दी, ये देखो ये इनको विलेजरों को ये देंगे फ्लेचिंग टेबल, ये विलेजर बनेंगे और हमें स्टिक्स के बदले एमरल्ड्स देंगे जल्दी से। तो ट्रेडिंग करते हैं बहुत सारी और देखते हैं कितने एमरल्ड्स हो सकते हैं। ये देखो गाइस, मैं इतनी वुड माइन करके आया हूँ और अब स्टिक्स के बदले इनसे देखो ये एमरल्ड्स देते हैं, एमरल्ड्स लेते हैं और फिर बुक्स और लेंगे, लाइब्रेरियन बनाएंगे। अभी तो बहुत सारा काम है गाइस, ये सब जल्दी से कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और लाइक कर दो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोज़ बनाने में। तो गाइस अभी ये बनाते हैं क्रीपर फार्म, आप इसका टाइम लैप्स देखो और लाइक कर दो यार, कर दो। गाइस क्रीपर फार्म पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये टू लेयर्स का है और अब इस 120 ब्लॉक्स अब जाकर हाई जाकर एफ के रहना है जल्दी से। तो चलो इसमें ये क्रीपर फार्म काम करता है या नहीं जल्दी से देख लेते हैं ना।
तो गाइज ये इसका बन गया है एएफके एरिया। तो चलो एक घंटा पूरा एएफके करके देखते हैं ये फार्म काम करता है या नहीं करता है जल्दी से। और गाइज ये वाली वीडियो मुझे बनाने में पूरे 3 दिन लग गए, तो प्लीज़ लाइक कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। सो गाइज मैंने एएफके पूरा एक घंटा किया भाई, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, एक भी गन पाउडर जमा नहीं हो रहा। तो आज के लिए इतना ही गाइज, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई होगी तो या लाइक करो प्लीज़, और अगली वीडियो का इंतज़ार करना, सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे भाई ये काम ही नहीं कर रहा, पूरा मूड ख़राब कर दिया यार।